मम्मा मेरी बात को पिक कर रहे हैं। चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा प्लीज। जी बेटा। अच्छा अब ऐसे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, आप माइक भी यूज़ कीजिएगा, मुझे बताइएगा, जिन्होंने, मैंने एक बुक शेयर की थी लास्ट टाइम ऑटो कैड की आपके साथ, कितने लोगों ने डाउनलोड किया उसे और उन्होंने देखा है ना, मुझे थोड़ा उसके बारे में बताएं। मोबाइल दे दो मेरा। सर बुक तो नहीं की थी सर, ऑटो कैड की बुक सर। बुक नहीं शेयर किए थे सर। बेटा मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? सर बुक नहीं शेयर किए थे। मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी का कि मेरी आवाज नहीं आप तक जा रही। सर आपने बुक शेयर नहीं की। मुझे ये बताइएगा आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने वो बुक कम से कम चलो देखी हो, मुझे आइडिया हो जाए कि आप तक वो पहुंची है। सर बुक शेयर नहीं की आपने। बुक शेयर नहीं की थी? नो सर, ऑटो कैड वाली ने की थी, दूसरी एनडी भट्ट वाली की। वो दिखा दूं फिर कहां पे शेयर की हुई। ए सेक्शन को की। एलएमएस के ऊपर जाएं, अभी जाएं एलएमएस पे जाएं, कोर्स फोल्डर में जाएं और कोर्स फोल्डर के अंदर एक बुक पड़ी है ऑटो कैड बुक डॉट पीडीएफ के नाम से, अभी डाउनलोड करें सब लोग, फौरी जाएं एलएमएस ओपन करें, एलएमएस ओपन करके इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स लैब में जाएं और वहां पे कोर्स फोल्डर पड़ा हुआ है उसको क्लिक करें, उसके अंदर आपका जो मटेरियल पड़ा है उसमें सबसे ऊपर पड़ी हुई ऑटो कैड बुक वो डाउनलोड करें सब लोग, फिर हम उसका एक चैप्टर 7 है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज। इम्तियाज बेटा क्या बात है, बगैर तहकीक के कैसे ये कह सकते हो कि यू हैव नॉट शेयर्ड यार। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जाके देखो आपको मिलेगी। कैसे आप आ गए एलएमएस पे आप? और ये मैंने लास्ट वीक के जो है ना वो जब मैंने लेक्चर दिया था उसके साथ मैंने ये अपलोड कर दिया, ये तब से पड़ी हुई है यहाँ। सर डाउनलोड हो गई है, एलएमएस पे जाएं, एलएमएस पे जाके अपनी बुक को डाउनलोड करें और उसका चैप्टर 7 को भी देखें। जो स्टूडेंट चैप्टर 7 ओपन कर ले वो यहाँ पे जरा चैट बॉक्स में लिख दे कि यस सर। सर एक क्वेश्चन है सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? इम्तियाज आवाज आ रही है?
हाँ जी, तो बेटा आपको क्लास ये मिल गई ना? नहीं बेटा ऐसे नहीं है, एलएमएस के ऊपर हमारी सारी कम्युनिकेशन होती है। अच्छा चलें, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये बुक उस्मान ने यहाँ पे भी शेयर कर दिया, थैंक यू उस्मान। अच्छा अब हम इसका चैप्टर 7 ओपन करेंगे। चैप्टर 7 अगर आप देखें तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ चैप्टर 7 की। ये पेज नंबर बनता है, पेज नंबर क्या बनता है इसका, 121 बनता है, 123। पेज नंबर 123 खोले। जी बेटा चैप्टर 7 किस किस ने ओपन कर लिया? यस सर कर लिया जी, गुड। अच्छा बेटा चैप्टर 7 में अगर आप देखो तो इसमें इसका टाइटल है ड्राइंग कर्व्स एंड पॉइंट्स, ठीक है? ये वही चीजें हैं जो अभी हमने की हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस यहां से करें। अच्छा बेटा इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको डिफरेंट जो है ना इसके अंदर ऑप्शन नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम ड्राइंग सर्कल्स, ठीक है? इसमें ना आपको कंप्लीट डिटेल के साथ ही बताएगा कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने यहाँ से गाइड लेनी है और ये वही प्रोसेस वही है जो हमने पहले किया है। और आपकी जो असाइनमेंट है जो आपने नेक्स्ट टाइम कैड के अंदर, कैड असाइनमेंट 2 के अंदर सबमिट करानी है, वो ये 7.1 फिगर है, ये आपने ड्रॉ करनी है ऑटो कैड के ऊपर, ठीक है? और ये फ्री हैंड है, इसमें यूनिट्स की कोई कैद नहीं है, ठीक है? ये यानी कि छोटे बड़े हो सकते हैं यूनिट, इसके साथ डायमेंशन गिवन नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको फ्री हैंड बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आपकी असाइनमेंट ये है, दूसरी असाइनमेंट यानी ये भी 7.2 भी वही है जो ऊपर बनी हुई है ना, तो इसको ये वाली बना लें या वो एक ही चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है दैट इज यानी ये दोनों पिक्चर्स इकट्ठी बनानी है और आपने इकट्ठी यहाँ पे सबमिट करनी है, ये 7.5, ठीक है? इसमें ना डिफरेंट डायमेंशंस भी गिवन है, तो अभी मैं आपको डायमेंशंस के बारे में बता देता हूँ कि डायमेंशनिंग कैसे करनी है ना। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि ये आपने जो सर्कल लगाना है लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो R3/8 लिखा हुआ है और ये डायमेंशन इसने दी हुई है इंचेस के अंदर। हमने डायमेंशन इंचेस के अंदर यूज नहीं करनी, ठीक है? हमने डायमेंशंस जो यूज करनी है वो मिलीमीटर के अंदर है, ठीक है? अब आपने ये करना है, आपको कन्वर्जन फैक्टर पे पता होगा 3/8 इंचेस को आपने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, ठीक है? 3/8 इंचेस को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि एक इंच के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, कौन बताएगा चैट में बताएं जरा, एक इंच के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? नहीं पता, चले मैं बताता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ 2.54 सेंटीमीटर होते हैं बेटा। 24.5.4 2.54 सेंटीमीटर होता है।
254 मिलीमीटर। एक इंच के अंदर 25.4 मिलीमीटर होते हैं जी इम्तियाज, 25.4 एग्जैक्टली। आप यहाँ पे काइंडली लिख दे सबके लिए, 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर्स। और ये जितने भी यहाँ पे डायमेंशन गिवन है उन सब डायमेंशन को आप कन्वर्ट कर लेंगे मिलीमीटर्स के अंदर, यानी मिलीमीटर्स में अगर वो पॉइंट्स में भी आ रही हो तो आपने क्या करना है, पॉइंट्स को आपने हटा देना है। फॉर एग्जाम्पल 33.4 आ रही है आपके पास, तो आपने उसको जो मिनिमम डिजिट है 33 तक ले लेना है उसको, ठीक है। तो 33 का आपने सर्कल ड्रा करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इसी तरीके से राइट साइड के ऊपर सर्कल्स ड्रा करने हैं, लाइंस ड्रा करनी है, ये सारी डायमेंशंस गिवन है, उन्हीं डायमेंशंस के हिसाब से आपने हर चीज ड्रा करनी है। लेकिन डायमेंशनिंग करनी नहीं है, ये सिर्फ ड्रा करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये जो दो फिगर्स हैं ये आपकी असाइनमेंट होंगी जो कि आपने ड्रा करनी है और मुझे सबमिट करानी है, असाइनमेंट नंबर 2, कैड असाइनमेंट 2 के अंदर, जो कि एलएमएस के ऊपर अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इज दैट क्लियर, या अभी और किसी को इसमें कोई इशू है? इशू है तो वो मुझे पूछ लें, मुझसे बात कर लें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की ना। सर एक साथ ड्रा करेंगे या अलग अलग? दो फाइल्स बनेंगे ना यार। तो ये बेटा आपकी हो गई असाइनमेंट जो आपने सबमिट करानी है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइम जो पढ़ेंगे उसके अंदर और भी चीजें हैं, वो फिर मैं ये चाहूंगा बेटा कि आप इस बुक को भी साथ साथ पढ़ते रहो, ये आपको हेल्प करेगी बहुत सारी चीजों को इलैबोरेट करने में, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन उन छोटी छोटी चीजों के अंदर आपको इतनी डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है सारा कि आपको चीजें फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होती, सही है। डायमेंशनिंग के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी फिगर के ऊपर डायमेंशनिंग किस तरीके से करते हैं। तो फिलहाल जो है हम इसको खत्म कर रहे हैं और हम आ रहे हैं अपने दूसरे प्रोसेस के ऊपर जिसके अंदर हम काम कर रहे थे। कौन सा बोला सर? एक क्वेश्चन है ऑटोकैड से रिलेटेड। हाँ जी, जिसमें हमने आपको बताया था कि आपने शीट्स मजीद बनानी है, तो अब हम शीट्स के बारे में। आपने लास्ट टाइम आई बीम बनाया था बेटा? यस सर, एक क्वेश्चन है ऑटोकैड। आई बीम के बाद हमारे पास जो 9th नंबर के ऊपर शीट है दैट इज दिस वन। ये अगर हम जाएं और यहाँ पे आ जाएं तो ये 8th नंबर शीट आपने लास्ट टाइम बना ली है और आपने सबमिट भी करवा दी होगी सबने। अब ये जो नेक्स्ट शीट है दैट इज शीट नंबर 9, ये वहां पे पड़ी हुई है जो आपको मैंने दिया हुआ ना, ये वही है जो आपको वहां पे बनाने के लिए मैंने ऑटो कैड के अंदर दिया है। यहाँ पे भी आपने मैनुअली भी वही बनानी है, ठीक है। अगर आपको डायमेंशंस वो वाली समझ ना आए जो मैंने अभी आपको बताई है तो आप ये वाली डायमेंशन भी ले सकते हैं वहां पे, सही है। मकसद ये है कि 2 डायमेंशन के अंदर आपको ये ड्रा करनी आनी चाहिए। इसमें ओ स्नैप का यूज भी होगा, इसमें सर्कल का भी यूज होगा, इसमें आर्क का भी यूज होगा, इसमें लाइन का भी यूज होगा, ठीक है। और आपको कॉपी करना पड़ेगा, ये जो सर्कल है, ये जो 2 लेफ्ट और राइट के ऊपर सर्कल है, ये आपने मिरर के साथ बनाने हैं, ठीक है। इसमें वो सारी चीजें कवर हो रही हैं जो हमने आज पढ़ी हैं, सही है बेटा। तो आपने इसको बनाना है, टाइम पे सबमिट करवाना है। वो क्वेश्चन कर रहा है ये ऑटोकैड के अलावा शीट पर भी बनाना। इम्तियाज की वॉइस वाकई मेरे पास नहीं आ रही सर, आपको आवाज आ रही है? एक मिनट, क्या प्रॉब्लम हुई है? सही है वाला शीट के ऊपर भी बनाना। मेरे पास वॉइस वाकई किसी की नहीं आ रही, इसलिए मुझे लग भी रहा था कि आप लोग शायद बोल रहे होंगे, मेरे पास आवाज नहीं आ रही। आप काइंडली लिख दें यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना इम्तियाज, इम्तियाज बेटा आप यहाँ पे लिख दो चैट में ना, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम हुई है शायद ना। जी जी इम्तियाज, मिरर का क्वेश्चन, हाँ वही जो आप पूछना चाह रहे थे पहले, वही आपका क्वेश्चन
जी 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 प्लीज 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 बताएं इम्तियाज, कोई यार इशू हुआ है जिसकी वजह से ना मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी? हैंडफी लगा के देखता हूँ शायद इससे भी समझ आ जाए। जी बोलिएगा, कोई स्टूडेंट बोले ताकि मुझे पता चल जाए कि आवाज अब मुझे आ रही है। हाँ जी अब आ रही है इम्तियाज। जी 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 इम्तियाज आप बोलिएगा। सर वो क्वेश्चन है एक्चुअली मैंने आपको डिस्प्ले करवाने जो मुझे इशू आ रहा है, तो अगर आप मुझे अलाउ करें स्क्रीन शेयर करना। जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट। हाँ जी अब देखें अब आपके पास ऑप्शन आ रही होगी। यस सर आ रही है। आई थिंक सर अब मेरी स्क्रीन आ रही है आपको। जी अब आ रही है बिल्कुल सही है। फाइन सर। सर मैंने जो है ना वो बाउंड्री जो है कमांड आपने हमें बताई मैंने अलग अलग जो है ना वो पॉइंट्स पिक किए, लाइक ये मैंने स्टार ड्रॉ किया था तो मैंने अंदर एक बार किया, एक बार यहाँ पे किया, फिर एक बार अगेन यहाँ पे, तो करने की वजह से ना वो अलग अलग कर रहा है। अब व्हेन आई वांट टू मिरर दिस ऑल स्टार तो वो या तो एक अंदर वाले स्पेसिफिकली उसको कर रहा है, लेट से मैं यहाँ से अपना मिरर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं सेंटर में करता हूँ लाइक दिस वन, और मैं चाहता हूँ कि मेरी एक साइड आए, लेट से एंटर हो गया, ये मेरी रेफरेंस लाइन आ जाए, व्हाटएवर इज दैट, और वो इधर आ जाए, तो ये पैचेस में ले रहा है सर। पैच यस एंटर किया तो ये पिक पॉइंट्स एंड देन ये नीचे स्टार मैंने जो एक्स्ट्रा बनाया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, अगेन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट्स एज वेल। अब यहां से मैंने कर दिया एंटर, तो सर मैं जब इस पे अपना कर्सर लेके आता हूं ना मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, अलहदा अलहदा यानी हर पैच अलहदा से बाउंड्री बनाया, वो आप कंप्लीट बाउंड्री आप चाह रहे हो उसे बनाना लेकिन वो नहीं बन रहा। मैं समझ लग गई आपकी क्वेश्चन की। अब सुनो, अब आप सुनो मुझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ऐसे होता है बेटा कि ऑटो कैड जो है ना वो सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होगा ना उसकी बाउंड्री बनाई जाएगी, यानी ये हमें लग रहा है ना कि ये स्टार है, लेकिन स्टार के अंदर आप गौर करो तो देर आर सिक्स डिफरेंट पैचेस विच आर क्लोज्ड इनफ टू बी कंसीडर्ड एज एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स ना, तो ऑटोकैड उनको सेपरेट ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करता है। अच्छा अब इसका आप सॉल्यूशन आपको चाहिए ना, आपको ये सॉल्यूशन चाहिए कि पूरे का पूरा स्टार आपका मिरर होना चाहिए, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन ये होगा कि जैसे आपने इस ये जो नीचे वाला सबसे नीचे बॉटम पे आपने स्टार बनाया है उसके सारे पैचेस को अलग अलग बाउंड्री बना लिया आपने अब। यस सर। हाँ लेट्स से ये फर्स्ट वन ही है जो मेरा ऊपर वाला है, इसकी मैंने बना ली है, ठीक है? अच्छा अब मैंने इसकी बना ली है। यस यस यस। देखें अब आपको क्या करना होगा, अब फॉर एग्जाम्पल अब आप पूरे के पूरे स्टार को मिरर करना चाह रहे हो तो आपको ये करना होगा, आप मिरर की कमांड सेलेक्ट करो। यस सर। हाँ जी अब ये कह रहे हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब आपने ये कंट्रोल दबा के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ इस स्टार के अंदर आने वाले सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। ऐसे कर दूं सर? हाँ ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। यस एग्जैक्टली यस। ये मेरी यहां पे आ गई एक रेफरेंस। हाँ जी अब आपने रेफरेंस लाइन के लिए फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट लगाना है। लेट्स से मैं यहां पे ड्रॉ करना है। हां सेकंड पॉइंट आप स्पेसिफाई करें, एंटर करें, ठीक है बेटा? ये इस तरीके से बनाया जा सकता है इसको। यस सर। सर एक और तरीका नहीं है कि अगर हम पॉलीलाइन इस्तेमाल करें तो उससे तो पूरा मराइक ऑब्जेक्ट होगा ना, शो होगा सिर्फ। हाँ 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 पॉलीलाइन जो है ना उसका एडवांटेज यहाँ पे मेरा ख्याल आता है। यस एग्जैक्टली ये पॉलीलाइन के साथ आप यही स्टार बना के देखें जरा इम्तियाज। पॉलीलाइन के साथ यही स्टार पॉलीलाइन से बना के देखें जो ऊपर से थर्ड नंबर पे ऑप्शन है। सर ये जो फर्स्ट टू डायग्राम आपने दिए ये हम पॉलीलाइन से बना सकते हैं या लाइन ही इस्तेमाल करने के लिए? यार बना सकते हैं, देखो आप मैं आपको फ्री हैंड इसलिए दिया हुआ है, आप एक्सप्लोर करो चीजों को ना, आप खुद से चीजें बनाओ, आप
यानी डिफरेंट चीजें खुद आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो ये सारे का सारा एक ऑब्जेक्ट बन गया यार, ये बहुत अच्छी चीज पॉइंट आउट किया, मेरे ज़हन से निकली हुई थी टू बी ऑनेस्ट ना सर। ये लाइन और पॉलीलाइन में ही तो डिफरेंस है कि जो पॉलीलाइन होती है उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट शो होता है और लाइन में अलग अलग होता है, हर लाइन अलग शो होती है, उसको हम डिलीट भी कह रहे हैं। पॉलीलाइन से एक डिलीट होगा तो सारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, लाइन में हम अगर किसी जगह को डिलीट करेंगे वो नहीं डिलीट होगा सारा ऑब्जेक्ट। So you now have both the methods at your hand, ना? अगर आपके पास लाइन के साथ कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ तो उसको कैसे मिरर करते हैं, और सिंपलेस्ट वे अब आपके सामने आ गया पॉलीलाइन वाला। थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट दिस पॉलीलाइंस फंक्शन यार, ठीक है। अच्छा सर, अब सर ये अभी जब जाते हैं व्यू में यहां जी बेटा डिस्प्ले एंड देन यू सी एस आइकन, इसे मैं ओरिजिन पे करता हूं, वो मेरा यहां पे आ नहीं रहा ओरिजिन पे। नहीं बेटा वो दोबारा जाएं व्यू पे, एक एक स्टेप मुझे दिखाइएगा। वीडियो वीडियो जो है ना वो थोड़ी डिलेड मेरे पास आती है, आप थोड़ा टाइम दे के मुझे दिखाएं क्या करना चाह रहे हैं ना। डिस्प्ले डिस्प्ले पे जाएं, रुकें जरा डिस्प्ले पे जाएं, हाँ यूसीएस आइकॉन पे जाएं, अभी क्लिक नहीं करना, जस्ट मुझे दिखाएं। हाँ ऑन करें ना पहले इसे, आप आपने ऑफ किया हुआ है। हाँ वो ऑन करके फिर आप इसको लेके आएं, अब यहाँ से नहीं हिलेगा ये इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चीजें हो गई जो ऑटो कैड से रिलेटेड थी ना, तो अब ऑटो कैड के आज के इस लेक्चर में से या इस रीडिंग में से इस प्रैक्टिस में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं। सर वो जो ऑटो कैड पे आपने असाइनमेंट दी है वो शीट पर भी बनानी है? नहीं 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 बेटा शीट से नहीं बना, नहीं शीट तो रहता चल रही है। देखो मेरी बात सुनो, हम चीजों को क्लियर करते हैं। दो चीजें हम इकट्ठी चला रहे हैं इस टाइम पे, हम आपकी मैनुअल शीट भी चला रहे हैं और साथ में हम आपका ऑटो कैड भी चला रहे हैं, ठीक है। जो मैनुअल शीट्स हैं वो 8, 9, 10 आपके साथ मैंने एक पहले फाइल शेयर की हुई है, वो आपने बनानी बनानी है। लास्ट टाइम आपने आईबीएम बनाया था, आज का जो काम है जो आपने नेक्स्ट टाइम सबमिट करवाना है मैनुअली शीट बना के, दैट इज ग्लैंड फॉर स्टफिंग बॉक्स शीट नंबर 9, ठीक है। उसके बाद जो ऑटो कैड की असाइनमेंट है दैट इज चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम दैट स्पेसिफिक बुक व्हिच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन एलएमएस, ठीक है। वहां से वो मैंने आपको दो पिक्चर्स हाईलाइट की हैं, 7.2 एंड 7.5। दीज टू फिगर्स विल बी मेड इन टू डायमेंशनल ड्राइंग ऑन ऑटोकैड, और आप उसका इसी तरीके से उनके नीचे टेक्स्ट में अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे और उसकी स्क्रीनशॉट लेंगे और आप उसको जो है वो सब अटैच करेंगे उस ऑटोकैड असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर जो एलएमएस के ऊपर असाइनमेंट जनरेट कर रहा हूं मैं अभी ना। अब पता चल गया दोनों चीजें अलग अलग सबमिट करानी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट टाइम आपने जमा करवाई थी। ऑटोकैड की असाइनमेंट अलग सबमिट कराएंगे और मैनुअल शीट अलग सबमिट कराएंगे। अच्छा मैनुअल शीट में एक क्वेश्चन आया था मुझे इसी वीक के अंदर, किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर जब हम पूरी पिक्चर लेते हैं ना पूरी शीट की तो वो ब्लर हो जाती है, तो यू हैव गॉट दिस ऑप्शन टू मेक द पिक्चर ऑफ ऑल द व्यूज वन बाय वन एंड मेक अ पीडीएफ फाइल आउट ऑफ दैट एंड देन शेयर दैट पीडीएफ फाइल ऑन एलएमएस, ओके। Yes, सही है बेटा, अलग अलग अपने व्यूज की पिक्चर लें, 3 पिक्चर्स आ जाएंगी, उन पिक्चर्स को जो है वो आपने उसके ऊपर एक पीडीएफ फाइल बनानी है और वो पीडीएफ फाइल आप उसके अंदर शेयर कर दें, तो यू हैव गॉट दिस ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैंने ये देखना है कि आपने व्यूज कैसे रखे हुए, उनकी डायमेंशनिंग कैसे की है, आपने टाइटल ब्लॉक कैसे बनाया है, आपने डिविजन कैसे की है, ये चीजें मेरे लिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल। जब आप हार्ड फॉर्म में लेके आओगे देन आई विल बी एबल टू सी द होल पिक्चर ऑफ योर sheets one by one and then I'll be assessing your sheets more suitably ना। तो अभी फिलहाल ये है कि आप मुझे तस्वीर दिखाते रहें, मेरे पास प्रूफ आ जाए कि आपने बना ली है। yes. इसमें किसी इसमें अगर किसी को कोई चीज क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है। क्या बेटा आप बोले हो LMS पे शीट नंबर 8 अपलोड की है, लेकिन मुझे नाम उस वक्त पता नहीं था, मैंने उसका नाम नहीं लिखा था शीट का, यानी टाइटल ब्लॉक में नाम नहीं लिखा वो। जी सर। तो बेटा नाम तो उसका मैंने आपको बड़ी देर पहले से बताया हुआ है और ये मैंने आपको शेयर भी कर दिया था डॉक्यूमेंट, इसमें भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है आई बीम।
इसमें बाद में बंद है, मैंने पहले 6 मिनट कर रहा थी, 2 दिन बाद। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, वैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट उसी दिन अपलोड कर दिया था, ठीक है, जिस दिन मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके साथ इस तरह हुआ तो आप जो आपके पास हार्ड फॉर्म में पड़ी है उसको आप अच्छे तरीके से फिल कर लो, तो जब आप लेके okay, आओगे तब हम इसके जो है ना वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी बेटा। सर वो हम लेक्चर तो ले रहे हैं सर, लैपटॉप हमारा अभी आया है, तो सर वो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकते हैं सर? हफ्ते तो आ रहा है, फिर प्रैक्टिस करेंगे हम। यार मेरा ख्याल है लास्ट टाइम जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो मैंने डाल दी सर, वो यूट्यूब पे अपलोड है सर। हाँ वो यूट्यूब पे अपलोडेड है बेटा, आप वहां से देख सकते हैं। और आज का जो लेक्चर है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, ये भी आप देख सकते हैं, मुझे तो कोई इतराज नहीं। वैसे मैं आपको गाइड करूं और आपकी हेल्प करने के लिए अगर मैं आपको एक मशवरा दूं तो वो ये होगा कि इफ यू वांट टू प्रैक्टिस ऑटोकैड और ऑटोकैड को अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हो तो जो बुक मैंने आपको दिया ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें इतनी डिटेल में चीजें बताई हुई है, जैसे आप नर्सरी के बच्चे को चीजें पढ़ाते हो वैसे उन्होंने लिखी हुई है, एक एक चीज 3-4 दफा बताई हुई है, हर ऑल्टरनेटिव मेथड से बताई हुई है और सिंपल करके बताई हुई है, सही है? तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज कीप दैट बुक फॉर रेफरेंस एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टू लर्न ऑटोकैड बेटर। इसके जो टूल्स हैं वो मैक्सिमम यही टूल्स हैं, इनकी मदद से बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बन जाती हैं, जो 2-3 टूल बार मैंने आपको बताए हैं। अब सिर्फ डायमेंशनिंग हमारी रह गई है जो हमने नेक्स्ट टाइम पढ़नी है। डायमेंशनिंग फिलहाल हमने नहीं पढ़ी कि डायमेंशन कैसे देनी है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लाइन की डायमेंशन कैसे देंगे, आर्क की डायमेंशन कैसे देंगे, सर्कल की कैसे देंगे, ठीक है जी, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर कैसे देते हैं और इसके डिफरेंट यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, वो चीजें हमने नेक्स्ट टाइम देखनी है डिटेल में। फिर हमारा ऑटोकैड का 2D सेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स दूंगा, वो आपने 2D के अंदर इन छुट्टियों के अंदर बना के वो छुट्टियों के अंदर ही मुझे सबमिट करवानी होगी जो आगे 15 छुट्टियां आ रही है, सही है? उसके बाद हम एक लेक्चर में ना 3D व्यू इसके देखेंगे तो हमारा ऑटोकैड जो है ना वो मेजरली कंप्लीट हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उस बुक को रेफरेंस बनाएं, उस बुक में डिफरेंट जो है ना वो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनको जो है ना वो देखें और वहां से प्रैक्टिस करें ताकि आसानी के साथ आपको समझ आए चीजें। कोई प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आके पूरी क्लास के साथ हम चीजें डिस्कस करें, जैसे देखें पॉलीलाइन वाली बात आज कितनी जबरदस्त जो है ना वो यहाँ पे डिस्कस हो गई है, वो आपको पता चल गया, वो मेरे जहन से निकली हुई थी ना, तो ये बहुत बेहतर होता है कि हम म्यूचुअल डिस्कशन के साथ चीजों को एक्सप्लोर करें बजाय इसके कि मैं अथॉरिटेटिवली कहूं कि बस जो आता है वो मुझे ही आता है, आप बात नहीं कर सकते, ऐसा हमारी क्लास का माहौल कभी भी नहीं होगा। मैं ये चाहूंगा कि आप आके यहाँ पे चीजें डिस्कस करें, आप अपने प्रॉब्लम्स भी रखें, कोई नई चीज अगर कोई डिस्कवर करता है तो वो भी बताए, ताकि अगर कोई चीज मेरे जहन में नहीं है तो मुझे पता चल जाए, अगर जो चीजें मेरे एक्सपीरियंस से आपको पता चल सकती है वो मैं आपको बताऊं ना, तो समझ रहे इस बात को, ये मैं चाह रहा हूं कि हमारी क्लास किस तरीके से आगे बढ़े। सर प्रीवियसली 2-3 लेक्चर में जो सर हमने पढ़ा है वो ज्यादातर किस चैप्टर में से है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर है कोई? इसमें ना पहले वाले 3-4 चैप्टर्स के अंदर ना सिर्फ ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन है, तो बेसिक ड्राइंग जहाँ पे शुरू होती है ना वो 4th-5th है, तो 7th पे आज मैंने आपको असाइनमेंट दिया, आप 4th-5th-6th अगर कर लें तो मेरे ख्याल चीजें ये सारी कवर हो जाती है उसमें, और वो छोटे छोटे चैप्टर है, वो ऐसे चैप्टर नहीं है कि बड़ी बड़ी जो है ना उसमें पेजेस होंगे, छोटे छोटे, यानी एक कमांड लाइन के ऊपर उसने एक अलग चैप्टर लिखा हुआ है, पॉली लाइन के ऊपर अलग चैप्टर लिखा हुआ है, आर्क के ऊपर अलग लिखा हुआ है, यानी इस तरीके से एक एक कमांड के ऊपर पूरा चैप्टर उसने बनाया हुआ है, और चैप्टर भी बड़े नहीं है, सिंपल सिंपल से चैप्टर है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं, साथ साथ आप करोगे आपको समझ आएगी, पता चलेगा, नहीं समझ आती क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट टाइम क्लास के अंदर डिस्कस करो, दिस इज द वे हाउ यू शुड बी गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑटोकैड ना। ओके सर, थैंक यू सो मच जी। तो बेटा आज का ये लेक्चर फिर ये यहाँ पे एंड होता है, आपको दोनों असाइनमेंट्स भी पता चल गई हैं, आपको आज का काम भी पता चल गया, तो हम आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन आए नोट कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम क्लास में डिस्कस करेंगे तो हम इस तरीके से आगे चलेंगे। अब अगर किसी स्टूडेंट को कोई एम्बिग्युइटी है तो वो यहाँ पे पुट कर सकता है चैट में, नहीं तो फिर हम आज का सेशन एंड करेंगे। डिस्प्ले कर दो।
ये वाला सर्कल है ना जो मेजर सर्कल है बड़े वाला वो इस तरह से है, लेकिन जो आपने मतलब साइमन दी थी उसमें थोड़ा ये बाहर था, इन कॉर्नर्स को मीट कर रहा था और इसने इन कॉर्नर्स को मीट नहीं किया, उसके क्या रीजन है सर? मैंने जो बनाया वो कॉर्नर्स को मीट कर रहा था, यस सर, अप्रोक्सीमेटली कर रहा था। अब वो मेरे पास उसकी पिक्चर, मेरे पास उसकी पिक्चर नहीं है, मेरा ख्याल है उसके अंदर भी ये करवा देता हूं। हाँ वो दिखाओ, वो दिखा दो मुझे। सर ये हमारे एक क्लास फेलो ने ही बनाया था, मैं आपको इनसे प्रॉपर करके दिखाना बता दूँ। ये खुबैब उबैद भाई ने आई थिंक कभी ग्रुप में शेयर किया, उन्होंने जो ये बनाया ना ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है यार। इसके अंदर जो लेंथ है ना, ये लेंथ छोटी ली हुई है, यानी जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की दो डायमेंशन है ना, लेंथ है और विड्थ है। मुझे लगता है कि ये इन डायमेंशन का जस्ट फर्क हो सकता है, इसके अलावा आप खुद देखो ना, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग इसमें और कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली मैं भी इसी पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहा था कि ये उसी हाँ ये फॉल्ट आप अपने जहन में रखो और इस फाइल को भी सेव रखो, नेक्स्ट टाइम जब हमने पढ़नी है ना डायमेंशनिंग, तब आपके पास ये कैपेबिलिटी होगी कि यू विल बी एबल टू सी कि आपकी कौन सी ड्राइंग जो है उसकी कौन कौन सी डायमेंशन इनकंसिस्टेंट है ना। तो आप लेंथ विड्थ और हर सर्कल की लेदर लेदर डायमेंशन जब निकालोगे और दूसरी फिगर की भी इसी तरीके से निकालोगे तो यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस। इसको अब ऐसे ही रखो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अभी फिलहाल के लिए ये ठीक है, परफेक्ट है, बिकॉज आई जस्ट वांटेड यू टू यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमांड्स टू मेक दिस स्केच। मैं डायमेंशन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं था इस पॉइंट के ऊपर ना, डायमेंशन क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, डायमेंशन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। Then you will be able to see the difference or inconsistencies in comparison with other drawings, na? सर ये सर्कल है ना, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, अगर ये सर्कल है ना इनकी डायमेंशन सेम रखें रेडियस फिर बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। हाँ तो वही ना, डायमेंशन में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, मैं वही बात कर रहा हूँ ना। तो अभी फिलहाल सर ये देखें ना, अगर हमारे पास ये AutoCAD की असाइनमेंट्स में अपनी आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ सर, अगर ये इनकंसिस्टेंट होता हमारे पास ये सिस्टम, तो सर ये देखें ये जो डिफरेंस है ना इस सर्कल का और इस एज का, इस सर्कल का इस एज का, ये सिमेट्रिकल है। यहाँ से जिस जगह पे हमारा सर्कल आ रहा है मतलब ये सर्कल थोड़ा सा बाहर है, तो यहाँ से भी थोड़ा सा बाहर है, वो मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि लेंथ का प्रॉब्लम है, इस रेक्टेंगल की लेंथ आपने थोड़ी ज्यादा ली हुई है, मुझे ये लग रहा है ये लेंथ ज्यादा ली हुई है, मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि लेंथ जो है ना अगर आप उनके साथ कंपेयर कर रहे हो तो उन्होंने जो लेंथ ली हुई है वो डिफरेंट होगी, आपकी लेंथ डिफरेंट होगी, मुझे ये लग रहा है। तो ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये आप जब नेक्स्ट टाइम हम डायमेंशनिंग पढ़ लेंगे तो आप यहाँ पे बिल्कुल सामने से देख सकोगे कितनी डायमेंशन आपकी है, कितनी उनकी है, विड्थ की, लेंथ की, तो फिर आपको डिफरेंस पता चल पाएगा ना, तो फिर आप ये डिफरेंस निकाल। अभी ये क्वेश्चन जेहन में रखना है आपने, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, सही है जी। तो अगर और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो उस्मान अटेंडेंस ले लो यार, फिर ऑफ करें ये सेशन। अटेंडेंस ले ली सर। चलें गुड, आप वो फाइल अपडेट करते रहना, सही है अटेंडेंस वाली, वो फिर एंड में मुझे दे देना। यस सर, ओके सर, चलें जी, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।